नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में ध्यान पर ही अब सियासत हो रही है। अपने वादे को किसी भी कीमत पर कांग्रेस पूरा कर खुद को किसान का हितेशी का जो तमगा है वो बरकरार रखना चाहती है, तो वह बीजेपी अपनी हार की सबसे बड़ी वजह रही 2500 समर्थन मूल्य वाले जो वादे को पूरा नहीं होने देना चाहती है। हालांकि इसमें केंद्र धान नहीं लेने के अपने अलग नियम का हवाला दे रही है। काफी मान मनोबल के बाद अब कांग्रेस आंदोलन पर उतर आई है, क्योंकि धान खरीदी का वक्त भी नजदीक आ रहा है और अगर केंद्र धान नहीं लेता है तो कांग्रेस के सामने वित्तीय और धान को खपाने की बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस ने अब भाजपा के सांसदों पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। तो आज चर्चा घेराव पर घमासान। केंद्र के छत्तीसगढ़ का चावल नहीं खरीदने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। अब उनके निशाने पर वो भाजपाई सांसद हैं। कांग्रेसियों को आरोप है उनका कि सूबे के बीजेपी सांसद केंद्र सरकार पर दबाव नहीं बना रहे हैं, जिससे किसानों के हित में कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। पार्टी की राजनीति बड़ी या फिर प्रदेश का मुद्दा, कुछ इसी को लेकर नाराजगी जताते हुए कांग्रेसियों ने बीजेपी सांसदों का घेराव करने की कोशिश की। कांग्रेस का आरोप है कि सांसदों को जनता की भलाई के लिए चुना गया है, लेकिन धान खरीदी के मुद्दे पर सभी सांसद खामोश हैं। ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेसी बीजेपी सांसदों का घेराव करने निकले। रायपुर में कांग्रेस भवन से निकले नेताओं ने खुद ढोल संभाला, लेकिन ढोल का शोर सांसद के बंगले तक पहुंचता। उससे पहले ही पुलिस ने काली माता मंदिर के पास उन्हें रोक लिया, जहां पुलिस के साथ कांग्रेसियों ने झूमा झटकी भी की। और इस बीच धक्का मुक्की लगातार चल रही है। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बैठाने की वहां पे अपील कर रहे हैं, लेकिन युवा कार्यकर्ता हैं जो कि बैठने को तैयार नहीं है। लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी लगातार महिला कार्यकर्ता भी हैं, आप देख सकते हैं। और पीछे जो तमाम बड़े नेता हैं वो पीछे हैं फिलहाल, और ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इन्हें आगे नहीं जाने दे रही है। लेकिन जब कांग्रेसी पुलिस की घेराबंदी भेदने में नाकाम रहे तो धरने पर बैठ गए। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों से भेदभाव कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान के बदले प्रति क्विंटल किसानों को 2500 रुपए दिए हैं, लिहाजा केंद्र धान नहीं खरीद रहा है। एक तरफ कहते हैं हम सेंट्रल पूल का चावल नहीं खरीदेंगे, दूसरी तरफ ये अंधे घूंगे बहरे सांसद ये कहते हैं कि क्या आपने पूछ के किया था, नहीं तो ऐसे शर्मनाक सांसदों को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको खुद को सोचना चाहिए कि बनने के बाद किन चीजों को उठाना चाहिए। क्या वो किसान उनके नहीं है जिन्होंने उनको वोट डाला है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात का चावल खरीदती है और छत्तीसगढ़ के चावल को खरीदने से मना कर देती है। ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों की ये जवाबदारी है कि वहाँ पर छत्तीसगढ़ की आवाज़ बुलंद करें, सांसद में यहाँ के किसानों की आवाज़ बुलंद करें और छत्तीसगढ़ का चावल सेंट्रल पूल में खरीदी करें। कुछ इसी तरह बिलासपुर और राजनांदगांव में भी कांग्रेस के निशाने पर भाजपा के सभी नौ सांसद रहे। इधर भाजपा का कहना है कि वादा कांग्रेस का था तो निभाना उसे ही चाहिए। कांग्रेस ने वादा करते वक्त केंद्र से अनुमति नहीं ली थी, धान पर ही भाजपा ने भी मोर्चा खोल रखा है। वो कह रही है कि राज्य सरकार जल्दी से किसानों का धान खरीद कर अपना वादा निभाए। भाजपा ने कांग्रेस के घेराव को अराजकता और नौटंकी करार दिया। अब कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाने का समय आ गया है, इसलिए उनको बिना कोई प्रदर्शन किए, बिना कोई विषय बनाए अपने वादा को निभाना चाहिए। अब जब अपने वादा निभाने की बात आई है तो सांसद को मोहरा बनाना चाहते हैं, किसान को मोहरा बनाना चाहते हैं। किसान को तो अधिकार है, किसान का हक है, आपने जो कहा है वो करो। धान खरीदी को लेकर कांग्रेस और भाजपा की नूरा कुश्ती के चलते किसान चिंता में है।
किसानों को लगता है कि केंद्र और राज्य की लड़ाई में उनको धान का सही कीमत नहीं मिलेगा। किसानों को लगता है कि केंद्र और राज्य की लड़ाई में उनको धान की सही कीमत मिलेगी या नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह चुके हैं कि धान की पूरी कीमत मिलेगी, लेकिन राज्य के खजाने की माली हालत को देखते हुए किसान कितना एतबार कर पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट रायपुर। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर स्टूडियो में मौजूद हैं चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं, जो कि अध्यक्ष हैं किसान कांग्रेस के, और रविकांत कौशिक जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो रविकांत कौशिक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इसमें थोड़ा सा भ्रम वाली स्थिति है, अभी तक बात क्लियर नहीं है। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा इसके बारे में कि केंद्र जो अब तक लेता आया था धान, दीपक जी धान खरीदी को लेकर के कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है जी। ये सारे भ्रम और ना भ्रम की स्थिति इन राजनीतिक दलों के संघर्ष के कारण हो रहा है। वहीं से ये भ्रम वहीं से पैदा हुआ। और पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं, वहां से भ्रम पैदा नहीं हुआ। भ्रम तो सुन लीजिए, ये गलत इंटरप्रिटेशन के कारण। रविकांत जी, भ्रम तो सुन लीजिए जी। जी, मेरा सवाल था कि जो केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है, जब तक केंद्र कहता आया है कि 25 लाख मैट्रिक टन हम धान खरीदते आए थे, ठीक है, अब जो पत्र लिखा जा रहा है सीएम बघेल जी के द्वारा, वो ये लिखा जा रहा है कि 34 लाख मैट्रिक टन धान ले केंद्रीय पूल। अब इसमें जाहिर सी बात है, बोनस का तो उनकी एमएसपी में ही नहीं है कि बोनस हम देंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है, कहां मामला अटका है? वहीं केंद्र सरकार इस पर अड़ा हुआ है कि हम 25 लाख मैट्रिक टन ही लेंगे, या भूपेश बघेल जी इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम जो है 34 लाख मैट्रिक टन ही धान देंगे। मैं ये सवाल कर रहा हूं आपसे, इसमें बताइए कि बात किसकी सही है? क्या 25 भी लेने के लिए तैयार नहीं है क्या केंद्र? नहीं, मैं नहीं, अभी जो भारत सरकार का जो पत्र छत्तीसगढ़ में 2014 में जो आया था, यही माननीय रामविलास पासवान जी मंत्री थे, उनके द्वारा जो चिट्ठी आई थी, उस चिट्ठी में ये था कि यदि आपने बोनस दिया, समर्थन मूल्य से अधिक अगर आपने बोनस दिया, तो हम आपका चावल जो खरीदते हैं वो नहीं खरीदेंगे। और राज्य की बीजेपी सरकार ने उसी कारण से, उस समय की बीजेपी सरकार ने अपना एक एक दाना धान खरीदने का वादा किया था छत्तीसगढ़ के जनता से, और हर साल 300 रुपए बोनस देने की बात की थी। ये जून 2014 में रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री की चिट्ठी के बाद वो इस घोषणा से बैकफुट पर आए, वो इस घोषणा से बैकफुट पर आए, और उन्होंने एक एक दाना धान की वजह में 10 क्विंटल धान खरीदने का ऐलान किया, जिसका कांग्रेस ने, किसान संगठनों की, किसान मोर्चा ने विरोध किया, तो जाकर के फिर उन्होंने उसे जो है 15 क्विंटल किया। अब 15 क्विंटल के बाद ये थी कि केंद्र की सरकार उन 2 सालों में राज्य की भाजपा सरकार ने बोनस नहीं दिया। जब बोनस नहीं दिया तो भाजपा के कुछ सांसदों ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के समक्ष एक दिन चाय के समय पर 2016 में उनसे कहा कि यदि आप छत्तीसगढ़ में एक धान के मामले पर आप अपेक्षित निर्णय नहीं करेंगे तो हम अगला चुनाव हारेंगे, क्योंकि हमने वादा किया था एक एक दाना धान खरीदेंगे और 5 साल बोनस देंगे। उस मामले पर यह हुआ बहुत कहने के बाद। जब आज के गृह मंत्री, उस समय जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह, जब 2016 में छत्तीसगढ़ आके 3 दिन रायपुर कैंप किए थे, तब भी भाजपा के विधायकों ने और सांसदों ने उनसे कहा था कि धान का मुद्दा हमारा भारी पड़ेगा, आपके चिट्ठी के कारण हमारी अपने वादे को हम पूरा नहीं कर पा रहे, जिसके कारण हमको नुकसान होगा। ठीक है, तब फिर 2017 और 18 में उस नियम को शिथिल किया गया केंद्र के द्वारा, उस नियम को 2017 और 18 के चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए, और फिर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार ने यहां पर बोनस त्योहार मनाया, जितना बोनस दिया उससे ज्यादा बोनस त्योहार में खर्चा किया। जब उस 2 साल में जब राज्य में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब आपने 2 साल उस नियम को शिथिल किया, तो अभी जो कांग्रेस की सरकार है उसका यह कहना है कि आप उसी नियम को शिथिल कर दिया। अभी जो इस साल जो अक्टूबर के महीने में और उसके पहले वाले महीने में जो चिट्ठी रामविलास पासवान की आई है,
कि यदि आपने समर्थन मूल्य से यदि अधिक कीमत पर धान खरीदा तो हम आपका सेंट्रल पूल में चावल नहीं लेंगे। ठीक है, ये चिट्ठी आई। तब इन्होंने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से मिले, पीएमओ के संदेश पर केंद्रीय कृषि मंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से, राज्य के मुख्यमंत्री समय मांग रहे हैं परंतु अभी तक उनको समय नहीं मिला है। पर उसी के कारण से ये स्थितियां पैदा हुई। सेंट्रल पूल का मामला यह है कि अगर चावल अगर दूसरे राज्यों के सेंट्रल पूल अगर खरीद रही है तो छत्तीसगढ़ का चावल क्यों नहीं खरीदेगी? और देखिए, यहाँ छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई ऐसा बड़ा इंडस्ट्री नहीं है। छत्तीसगढ़ में आय के दूसरे साधन है जिस पर केंद्र का हिस्सा है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में एक बसता है किसानों के हाथ, जो बड़ी आबादी है, 75% आबादी कृषि और कृषि पर सारा कुछ निर्भर, और कृषि को आप देते हो तो कृषि के माध्यम से पूरा बाजार और व्यापार यहाँ संचालित होता है। और इसी कारण से जब पूर्व कांग्रेस की सरकार ने अपने घोषणा पत्र के मुताबिक 2500 रुपए में धान खरीदा, 2500 रुपए दिया, किसानों का कर्जा माफ किया, तो उससे छत्तीसगढ़ में बाजार की माली हालत सुधरी। और वही एक चीज जो है केंद्र को चुभ रही है। और फिर ये कहते हैं केंद्र जब जो है 2014 के चिट्ठी पर 2017 और 18 में जब शिथिल कर सकती है तो फिर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उसके फिर उसी चीज को कड़ाई से पालन करने का उनका मकसद क्या है, उसके पीछे नियत क्या है, जरा केंद्र को यह भी बताना चाहिए। और आज जो उनकी सरकार की तब नियत के पीछे क्या हो रहा है, उनके पीछे तब तो उनके सांसदों ने कहा था ना, प्रदेश में अभी तो राज्यपाल होगा रमेश बैस जी ने उनको कहा था, और यहाँ के कई भारतीय जनता पार्टी के अभी भी विधायक हैं, उन लोगों ने कितने साल तक ध्यान नहीं से कहा था, कितने साल तक नहीं दे पाई बीजेपी उस नियम की वजह से। बीजेपी 2 साल बोनस नहीं दे पाई थी, 2 साल बोनस नहीं दे पाई थी बीजेपी, 2 साल बोनस नहीं दे पाई थी, और पूरे 5 साल एक एक दाना, सिर्फ 1 साल एक एक दाना धान खरीदी, और 4 साल एक एक दाना धान नहीं खरीद पाई थी, सिर्फ केंद्र की इसी चिट्ठी के कारण। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में अगर छत्तीसगढ़ के किसानों को यदि नुकसान हुआ तो पहले कार्यकाल से उसी एक पत्र के कारण रामविलास पासवान खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री के चिट्ठी, परंतु उसी को वोट बैंक जा रहा है, इसीलिए नियम को शिथिल किया गया, और उसके बाद सरकार नहीं बनी। ठीक है, और सरकार नहीं बनी तो फिर उसके बाद ये स्थिति आ गई। ठीक है चंद्रशेखर, आज भी छत्तीसगढ़ के किसानों ने कांग्रेस को कम और भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य से 11 में से 9 सांसद दिए हैं। सौभाग्य से पिछले 20 सालों से छत्तीसगढ़ के किसान के संसद में 9-9 सांसद, 10-10 सांसद भेज रहे हैं पिछले 4 चुनाव से। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ के सांसद यहाँ के किसानों के मुद्दे को लेकर के यदि संसद के अंदर और अपने केंद्रीय नेतृत्व के सामने यदि दलीय अनुशासन से ऊपर उठ करके किसानों के संप में बात अगर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ ये हो रहा है तो क्या हो रहा है। ठीक, ये उनके विवेक पर छोड़ देते हैं। ठीक है चंद्रशेखर जी, ढोल नगाड़े बजाने की नौबत आ गई है अब, और बजा भी रहे हैं, तो जो पार्टी लाइन से वो तो हटके सांसद जा ही नहीं सकते, चाहे कितने भी मंजीरे बजा लो, तो अब इसके बाद क्या ऑप्शन क्या होगा? वो तो अपने जो पार्टी की गाइडलाइन है उसके ही फॉलो करेंगे और उसी की भाषा बोलेंगे। उन्होंने सीधे एक रट पकड़ लिए कि जब आपने वादा किया तो कौन सा पूछा था, जिसमें से यह तर्क भी दिया जा रहा है कि जब वादा किया था, देखिए दीपक जी, जब वादा किया तो जिम्मेदारी भी आप ही की बनती है। तब सोचा था कि केंद्रीय पूल लेगा कि नहीं लेगा, नहीं लेगा तो ये स्थिति बनेगी, कहां जाएगा वो धान अगर नहीं लेगा तो, जज्बाती होकर क्या वचन डाल दिया गया था? जी देखिए दीपक जी, आपने जो प्रश्न किया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। 2-3 चीजें हैं, थोड़ा समय दीजिएगा जी। कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है, वादा करती है, घोषणा पत्र करती है, तो कभी किसी अन्य पार्टी से पूछने नहीं जाती है। जाहिर वादा हमने किया, पूर्व में भी 2009 में और 2013 में जब रमन सिंह ने 200 रुपए 300 रुपए बोनस का बात किया था, 2100 रुपए समर्थन मूल्य की बात किया था, प्लस 300 रुपए बोनस की बात किया, तो तब क्या उन्होंने मनमोहन सिंह जी से पूछा था? ये एक संघीय व्यवस्था है जो सन 1965 से लाल बहादुर शास्त्री के समय से चली आ रही है। जब देश में 1965-66 में काल पड़ा था तब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रस्ताव पास किया गया था लोकसभा से, जिसके तहत समस्त राज्यों का प्रोडक्ट खरीदना, क्योंकि उस समय नॉर्थ
इंडिया में बहुत अकाल पड़ा था, लेकिन साउथ इंडिया से जो धान वान होता तो लोग नहीं देते थे। उनका कहना था कि नॉर्थ में अकाल पड़ा तो हम अपना प्रोडक्ट क्यों आपको दें, अपना गेहूं अपना अनाज आपको क्यों दें। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री के समय प्रस्ताव पास हुआ था, उसके तहत सभी राज्यों का सेंट्रल पूल में खरीदा जा रहा है। संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा तोड़ी जा रही है, इनके द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि यहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कांग्रेस सरकार उनकी मंशा के हिसाब से नहीं बन पाई। दूसरी बात, आपने जो कहा कि पार्टी के जो सांसद है पार्टी लाइन से कैसे बाहर जाए, तो मैं आपको बता दूं, राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे, कोई एक सांसद किसी एक क्षेत्र का नहीं होता, किसी एक पार्टी का नहीं होता, बल्कि पूरे भारत का सांसद होता है। इन किसानों ने उसे वोट दिया था, इस छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें वोट दिया। क्या वो छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के किसानों से बड़ी हो गई इनकी पार्टी? कल के डेट में भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा पदाधिकारी कोई ऐसी हरकत पकड़े जो देशद्रोही हो, देश विदेशी द्रोही हो, या कोई अति उत्पात कर दे, मैं किसी चीज में नहीं जाऊंगा, कोई ऐसी स्थिति पैदा कर दे, तब क्या सिर्फ वो इसलिए उसका साथ देंगे कि वो पार्टी लाइन है? ये तो वही हुआ, रावण के वंश वाली बात हुई कि पता था रावण गलत है लेकिन रावण के साथ चलना है, पता है दुर्योधन गलत है लेकिन दुर्योधन के साथ चलना है, तो धृतराष्ट्रीय मुद्रा हुई। वो कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की भी हो, तो धृतराष्ट्रीय मुद्रा हो, गांधी बोलते हैं उनके सांसद या विधायक, विवेक कहां मर गया? सुनिए दीपक जी, देखिए दीपक जी, इन्होंने भी तो चुनाव में जनता को फेस किया, जनता के बीच जाके वादे किए हैं, आज इनके कहे वादों को सांसद निधि को इंप्लीमेंट राज्य सरकार करती कि नहीं करती? आपने आयुष्मान योजना चलाया, 50,000 रुपए देते हैं, 4,500 रुपए राज्य सरकार देती है, तो आप हमारे आयुष्मान की योजना का क्यों छाती पीट पीट के तारीफ करते हैं? कोई भी राज्य 4.5-5 लाख आयुष्मान योजना में देती है, 50,000 केंद्र का आता है। यदि सारे राज्य सरकार हाथ उठा देंगे तो संघीय व्यवस्था का क्या हुआ? आप तो देश को तोड़ने में लगे हैं, ये तो सांसदों की विवेक की बात है। और रही बात धान खरीदने की, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री मंत्री से लेके छोटा सा छोटा कार्यकर्ता ही हो रहा है कि हम 2500 में खरीदेंगे, 2500 में खरीदना कोई विषय नहीं है। इनको तकलीफ इस बात की है कि सारे किसान कांग्रेस के साथ, पूरे छत्तीसगढ़िया कांग्रेस के साथ चल जाएंगे तो हमारा अस्तित्व तो संकट में फंस जाएगा। सेंट्रल पुल का चावल आप लेने से मना क्यों कर रहे हो? किस बात का वादा? हमने वादा किया था 2500 खरीदेंगे, हम तो कर रहे हैं। क्या आपने घोषणा किया था कि हम छत्तीसगढ़ के साथ पक्षपात करेंगे? क्या आपने इस बात की अनाउंस किया था कि यदि आप कांग्रेस को वोट दोगे तो फिर हम छत्तीसगढ़ के वो सारे संसाधन बंद कर देंगे? इस बात को लेकर धर्मलाल कौशिक जी का, भारतीय जनता पार्टी का, सांसदों का बयान आना चाहिए कि यदि आप कांग्रेस को वोट दोगे तो भविष्य में हमारी सरकार बनेगी तो हम वो सारी संसाधन बंद कर देंगे जिससे वहां से आम नागरिक पात्र है। इस प्रकार की बात चावल नहीं ले रहा, केंद्र कितना दोषी है ये समझ आ रहा है, कांग्रेस इसके लिए प्रदर्शन कर रही है, पर किसानों का इतना प्रदर्शन नजर क्यों नहीं आ रहा? खफा तो आपसे ज्यादा किसान होना चाहिए केंद्र से। सारे किसान कांग्रेस वो एक बड़ा आंदोलन नजर नहीं आ रहा जो आना चाहिए, जो इस वक्त कांग्रेस दिखा रही है? नहीं, देखिए दीपक जी, हम भी संघीय व्यवस्था को मान रहे हैं और संघीय व्यवस्था को मानते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार आग्रह कर रहे हैं, आंदोलन की बात नहीं कर रहे। हमने प्रधानमंत्री को जो पत्र लिखा वो भी आग्रहात्मक था। अभी भी जो समय बार बार मांग रहे हैं, चाहे वो रामविलास पासवान जी से मिल के आए, चाहे दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मिल के आए, चाहे प्रधानमंत्री से मिलने के समय हमारे आग्रह मान रहे, हम संघीय व्यवस्था को नहीं तोड़ रहे, हम सिस्टम को समझते हैं कि आप केंद्र के मुखिया हैं तो हमारे भी मुखिया हैं, हम इस बात को समझ रहे हैं, हम आंदोलन में चल के यहाँ के जब आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे तब आपको समझ में आएगा कि आंदोलन क्या होता है। किसान हमारे साथ है, किसान इस बात को लेकर खुश है कि हमारा धान 2500 में खरीदा जा रहा है, वो हमारे साथ है, वो हमारे प्रदर्शन में, हमारे इस प्रोटेस्ट में पूरी तरह से हमारे साथ है। इस बात का एहसास भारतीय जनता पार्टी को, वो बौखला गए हैं, रंग रंग की बातें कर रहे हैं, घुमा घुमा के बातें कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के सामने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि एक एक विधायक एक एक सांसद बेनकाब हो गया है। उनको समझ में आ गया कि उनकी धरती हट चुकी है और वो किस रास्ता ताल में जाने उनको नहीं समझ में आ रहा है। मैं आज भी आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अभी भी अपनी बुद्धि को खोल लें, अपने विवेक को खोल लें और चाहे जो हो जाए, ये केंद्रीय नेतृत्व जो है वो भारत से बड़ा नहीं है, भाजपा और कांग्रेस के ऊपर उठकर छत्तीसगढ़ के किसानों की बात करें। अगर ये स्थिति रही, केंद्र ने अगर नहीं लिया धान, अब केंद्र जिस तरीके से मूड में दिख रहा है, केंद्र भी अपने ताव में है और आप बीजेपी जो राज्य है कि जो कांग्रेस सरकार है वो भी अपने ताव में है, कोई भी झुकने के लिए तैयार कहीं से भी नहीं नजर आ रहा है, कि इधर केंद्र से भी कोई इशारा मिला हो कि नहीं ठीक है हम कुछ दिन बाद देखते हैं समाधान ढूंढते हैं, कहीं से कोई इशारा नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब बातचीत का जो हल एक माध्यम था उस पर भी सांसद पहुंचे नहीं, तो उसके बाद हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि अब क्या उन्हें घर लेने जाएंगे, इस तरीके का स्टेटमेंट आया। वहीं उनकी बीजेपी के सांसद की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि हमसे कभी 5 मिनट का समय तक नहीं लिया गया, अब जब मुसीबत आके खड़ी है तब हमसे पूछ रहे हैं, हमें बुला रहे हैं।
और वो भी किस तरीके से आमंत्रित किया गया, तो जिसकी वजह से सांसद ने बहिष्कार कर दिया, ये भी सोचने वाली बात है। दीपक जी, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा, मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। देखिए, एक जो विधिवत प्रक्रिया होती है, कोई मुख्यमंत्री जी के बेटे के घर की शादी नहीं हो रही है, बकायदा सरकारी तरीके से उनको पत्र गया और पत्र लगा के इनविटेशन लिया दिया गया कि आपको फलाने बैठक में आना है इस तारीख को, और बकायदा उसका रिसिप्ट और पावती लेके आया गया। अब क्या चाह रहे हैं कि न्योता देने कांग्रेस के मंत्री या मुख्यमंत्री स्वयं उनके घर में जाके खड़े हो? क्या कोई बेटी बेटा का विवाह कर रहे जो आमंत्रण देने जाए? बकायदा आमंत्रण दिया गया और सबकी पावतियां हैं, रिसिप्टेड है। ये मुंह छुपा के भाग रहे, शतुर्मुर्गी मुर्गा में है, शतुर्मुर्गी मुद्रा में है। ये जानबूझ के अपने केंद्रीय नेतृत्व से डरे हुए हैं और इस बात का बहिष्कार कर रहे हैं। बकायदा सब एक एक सांसद को निमंत्रण गया है और सभी आए, सभी पार्टी के नेता आए। जब सीपीआई सीपीएमएल को बुला सकते हैं, योगी कांग्रेस को बुला सकते हैं, अन्य छोटे बड़े दलों को बुला सकते हैं, तो फिर बहु बड़ी पार्टी जो विपक्ष की में है, जिसका विपक्ष का नेता है, प्रतिपक्ष का नेता है, जिसके नौ, उनको क्यों नहीं बुलाएंगे? अखबारों तक हमें बकायदा आमंत्रण गया है कि इस तारीख को बैठक है। क्या वो अखबार नहीं पढ़ते? क्या वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहते हैं? जिस तरीके से आप विवेक से जनता के हित में सामने आना था, ठीक है, जिस हिसाब से केंद्र का रुख तो समझ ही गए होंगे कि क्या है, उस हिसाब से रणनीति भी बनने लग गई होगी कि अब अगर आप धान तो खरीदना पड़ेगा, अगर नहीं खरीदेगा तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी कांग्रेस के लिए। तो अब अगर खरीदेंगे, आज भी बोल रहे हैं पार्टियां 2500 में ही धान खरीदेंगे, ये धान ना खरीदो, किसान भी यही आस लगाए बैठा है कि अगर नहीं खरीदे तो खेल गड़बड़ाए। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, चाहते हैं कि हम बदनाम हो जाए, लेकिन हम आपको बता दें कि हम 2500 में ही धान खरीदेंगे। लेकिन अब रणनीति क्या बनाई गई है, कैसे धान की खरीदी होगी? जो धान खपत होती है 37 लाख मैट्रिक टन छत्तीसगढ़ के अंदर, उसके बाद जो बचेगा धान वो कहां जाएगा, कैसे उसका यूटिलाइज होगा, क्या उसका किया जाएगा, क्या कुछ रणनीति अब तक बनी जिससे किसान आश्वस्त हो जाए कि नहीं धान तो भाई खरीदेगा और यहाँ यहाँ इसका जाएगा और ऐसे ऐसे इसका होगा, अब तारीख आके नहीं पड़ेगी? जी देखिए दीपक जी, कोई तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। तारीख इसलिए आगे बढ़ी है क्योंकि अभी खेत गीला था, हार्वेस्टर ट्रैक्टर जा नहीं पा रहा था, कटाई में तकलीफ हो रही थी। 15 दिन आगे बढ़ाएं तो 15 दिन उधर भी आगे बढ़ाएं। धान हम खरीद रहे हैं, छत्तीसगढ़ का एक एक किसान आश्वस्त हो जाए, आपके चैनल के माध्यम से और सुनिश्चित हो जाए। यदि केंद्र सेंट्रल पूल में चावल नहीं खरीदे तो हमारे पास और भी अन्य विकल्प हैं, लेकिन चूंकि अभी हम आग्रह कर रहे हैं तो हम आग्रह ही निवेदन करते हैं क्योंकि एक संघीय व्यवस्था है। लेकिन यदि नहीं खरीदेंगे तो जरूरत पड़ेगी तो अन्य संसाधनों में कटौती करेंगे, एक टाइम खाना खाएंगे, लेकिन किसान को रोने नहीं देंगे। किसान के आंसू पोछने वाली सरकार है, भूपेंद्र बघेल की सरकार, हम पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं। क्या अभी तक रणनीति बनी नहीं है? निश्चित तौर पर यदि हमारे पर जवाबदारी आएगी तो कोई ना कोई, नहीं मेरे संज्ञान में भी है, रणनीति भी बन रही है, लेकिन ये काम बताने का माननीय मुख्यमंत्री जी का, खाद्य मंत्री जी का, कृषि मंत्री जी का, मैं अधिकृत नहीं हूँ। नहीं, आप पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंट हो रहे हैं ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा। चलिए कौशिक जी, जिस तरीके से देखा जाए आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पर उसका हम यूटिलाइज करेंगे, उसका हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, पर इतना धान एकदम अचानक कैसे आप कहां ले जाएंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है बता पाना। लेकिन कौशिक जी, कुछ तो सोचा होगा क्योंकि कल्पना कर रहे हैं कि वो अभी से मना ही कर दिए, हम तो चाह रहे हैं कि वो ले लें, व्यवस्था हम बनी रहे, खरीदेंगे और केंद्र राज्य की व्यवस्था बनी रहे, तो यह चाह रहे हैं। दीपक जी मैं एक चीज कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, भाजपा और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय राजनीति में रह रहे हैं, दोनों का राष्ट्रीय वजन है और दोनों किसान हितैषी होने का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, हिंदुस्तान में इस समय संसद का सत्र चल रहा है। अच्छा होता कि इस संसद के सत्र में जो किसानों का अन्नदाता, जिनको कहते हैं बहुत प्यार के साथ में राष्ट्रीय राजनीतिक दल, वो स्वामीनाथन कमेटी की बात को संसद में पास करा लेते। मनमोहन सिंह जी ने बात को उठाई थी, मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र मोदी का एक कार्यकाल निकल गया, दूसरा कार्यकाल आ गया, मोदी जी स्वामीनाथन कमेटी की बात करते थे, सरकार चलाने के लिए 56 इंची सीना चाहिए कहते थे, और फिर वो कहते थे कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। जब आप 5 साल के लिए चुने गए हैं तो उसके बाद आप कहते हैं कि 2022 तक हम दुगनी करेंगे, ये क्या बात हुई भाई? आप सीधे करो ना कि संसद का सत्र चल रहा है, अगर अन्नदाता किसानों के आप लोग सीधे हितैषी अगर हैं तो सारे राजनीतिक दल कंसेसिव कर ले और एक बार में संसद के अंदर किसानों के मुद्दे पर चर्चा कर ले और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर ले, तो उसके बाद
जो उस समय का जो समझौता है माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी के समय का समझौता, और उसके बाद ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की बात आ जाएगी, तो उसके बाद न किसी राज्य के साथ में इस प्रकार के, न केवल धान का, अभी तो सिर्फ धान का है, उधर गन्ना किसानों का क्या स्थिति है, कपास के किसानों का महाराष्ट्र का क्या हाल है, उसके बाद गेहूं के उत्पादकों का क्या हाल है, उसके बाद सोयाबीन उत्पादकों के, सारे किसानों की समस्या है। हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य है कि अन्नदाता किसान और कृषि उत्पादकों को, कृषि उत्पादकों के फिलहाल के लिए जिस तरीके से हालात बने हुए, मैं उस पे मैं जो जानना चाह रहा था आपसे, समय हमारे पास बहुत कम है, कुछ शब्दों में ही उसका उत्तर दीजिएगा। उस पे भी कह रहा हूँ कि उस पे कांग्रेस क्या रणनीति अपना सकती है, चाहे 40 लाख हाल अपना सकती है, 40 लाख उपाय है, एक स्टैटिक्स है और एक योजना है, उसके कई उपाय हैं और उस उपाय पर जो है सरकार योजना बना रही है, और अभी उस योजना के अंतर्गत ये स्थिति है कि लगभग सरकार जो है इस राज्य में इधर उधर कई प्रकार की चीजों को करके लगभग 32 लाख मैट्रिक टन चावल की खपत कर सकती है, और अगर केंद्र को चावल अगर नहीं देगी तो अगले साल केंद्र को भी इसी चावल के लिए तरसना पड़ सकता है, एक साल तो इतरा सकती है केंद्र की सरकार, परंतु दूसरे साल उस चावल के लिए उसको भी इतराना पड़ेगा, और फिर उसको ये करना पड़ेगा कि मांग और आपूर्ति के नियम में डबल रेट में कहीं ना लेना पड़ जाए चावल, इसको भी केंद्र को ध्यान रखना होगा। चलिए, बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि शायद कोई हल निकले केंद्र सरकार से, और जिससे दोनों ही सरकारों में सामंजस्य बैठे और किसानों का जो धान है वो खरीदा जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी और रविकांत कौशिक जी। और जिस तरीके से घेराव पर घमासान मचा हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर, उससे लग नहीं रहा कि फिलहाल कुछ भी राहत वहां की राज्य सरकार को मिलने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार ठाने हुए है कि वो जब तक बोनस देंगे तब तक वो केंद्रीय पूल में चावल नहीं लेगा। अब यहां पर राज्य सरकार के लिए अच्छी खासी मुसीबत खड़ी हो गई है, शायद इसीलिए अब सांसदों पर भी निशाना साधा जा रहा है। बेहतर हो कि दोनों ही सरकारों में सामंजस्य बैठे और इसका समाधान निकले, जिससे किसानों का जो धान है वो बर्बाद ना हो और साथ ही साथ सही दाम भी उन्हें मिले। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।